दोस्तों आज भी बहुत सारी न्यूज अगर आपके लिए ले आया हूँ तो फटाफट से शुरू करते हैं दोस्तों आज के न्यूज सेशन को। और दोस्तों एफटी न्यूज में सबसे पहले न्यूज निकल के आ रही है पीएस की तरफ से, यानी कि पीएस 5 दोस्तों ये फिर से रीस्टॉक हो रही है इंडिया के अंदर 25th October को। तो अगर आप चांसेस वगैरह गुवाते रहे हो या नहीं मिल पाई है तो इस बार ट्राई कीजिएगा, आपको मिल जाएगी वही टाइम दोपहर 12 बजे, तो ट्राई कीजिएगा दोस्तों। और इस बार मैं फिर से कहूंगा जितना हो सके जल्दी कीजिएगा क्योंकि साइट खुलते ही बिक जाती है एक आध मिनट के अंदर अंदर, तो ट्राई कीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों अगली न्यूज बता दूं आपको, गूगल पिक्सल फोन्स के लिए एंड्रॉइड 12 का अपडेट रोल आउट होना शुरू हो चुका है। तो अगर आपके पास एक गूगल पिक्सल फोन है तो काफी अच्छी बात है, आपको एंड्रॉइड 12 मिलने वाला है जल्दी। तो दोस्तों अगली न्यूज निकल के आ रही है गूगल की तरफ से, और गूगल ने आज फाइनली गूगल पिक्सल 6 और गूगल पिक्सल 6 प्रो को लॉन्च कर दिया है। दोस्तों बहुत ही जबरदस्त फोन निकल के आए हैं और प्राइसिंग मुझे बहुत पसंद आई, जो प्राइसिंग मैंने आपको यूएस वाली बताई थी 45,000 रुपीज का गूगल पिक्सल 6 और गूगल पिक्सल 6 प्रो है 67,500 रुपीज में। दोस्तों बहुत ही अच्छी प्राइसिंग आई है, बहुत ही ज्यादा बढ़िया फोन निकल के आए हैं फ्लैगशिप लेवल के। इनके अंदर आपको बहुत ही अच्छी स्क्रीन मिल जाती है, डिस्प्ले के अंदर आपको बहुत अच्छा रिफ्रेश रेट भी मिल जाता है। दोस्तों गूगल का अपना प्रोसेसर टेंसर जिसके अंदर आपको ऑक्टा कोर मिल जाएगा, दोस्तों ये प्रोसेसर है 5 नैनोमीटर के ऊपर बेस्ड है, तो काफी अच्छा है दोस्तों ये प्रोसेसर, कहूंगा काफी पावर एफिशिएंट। दोस्तों ये फोन है एआई के ऊपर बेस्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज्यादा यूज किया गया इसके अंदर, बहुत ज्यादा स्मार्टफोन कहेंगे हम इसे। दोस्तों इसके अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं कैमरा के अंदर, फ्रंट कैमरा जो है वो 11.1 मेगापिक्सल का, दोस्तों मतलब सुनने में बहुत छोटा लग रहा है लेकिन इसके अंदर आप 4K वीडियोस को भी रिकॉर्ड कर पाओगे। और दोस्तों सेल्फीज वगैरह खींचते हो, वीडियोस बनाते हो, उनके अंदर किसी पर्सन को हाइड करना है, ब्लर करना है या ब्लर फेस है उसे क्लीन करना है, बहुत सारे ऑप्शंस आ चुके हैं। दोस्तों बहुत ही जबरदस्त है, एंड्रॉइड 12 के ऊपर आता है तो बहुत ही बढ़िया इसके अंदर आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा। पर दोस्तों इसके अंदर एक बुरी बात आई है, अभी गूगल ने सिर्फ 8 ही कंट्रीज के अंदर अनाउंस किया है, इंडिया उन 8 कंट्रीज में नहीं है। इसका मतलब यह है कि शायद जब बाद में अनाउंस करेंगे तब इंडिया के अंदर आएगा, अभी इंडिया के अंदर नहीं आने वाला ये फोन। अभी कंपनी ने कहा है कि अभी कोई प्लान नहीं है इनके। अब दोस्तों ये मुझे नहीं पता कि क्यों किया, हो सकता है जो चिप शॉर्टेज चल रही है उसकी वजह से हो, प्रोडक्शन इतनी ज्यादा ना हो पा रही हो। दोस्तों बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, तो देखते हैं दोस्तों जब आएगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। वैसे फोन और उसका प्राइस बहुत जबरदस्त रहा है, मैं कहूंगा अगर आपको एक फ्लैगशिप लेवल का फोन चाहिए तो ये फोन तो बहुत ही अच्छा रहेगा। वैसे मैं इन दोनों की जो स्पेसिफिकेशन है दोस्तों मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दोस्तों मैं आपको जैसे बता रहा हूँ जो प्रो वाला वेरिएंट है उसके अंदर आपको 6.70 इंच की एक स्क्रीन मिल जाएगी, और जो गूगल पिक्सल 6 है उसके अंदर 6.40 इंच की। तो दोस्तों दोनों ही फोन बहुत जबरदस्त निकल के आए हैं। और दोस्तों बहुत बड़ी न्यूज निकल के आ रही है फेसबुक की तरफ से, वैसे दोस्तों ये कल रात को आई थी मेरे पास पर तब तक वीडियो बन चुकी थी। तो दोस्तों फेसबुक जो है वो अपने नाम को बदल सकता है, यानी कि फेसबुक का नाम अब फेसबुक नहीं रहेगा, ऐसे बहुत सारे मतलब रूमर्स भी निकल के आए हैं, प्लस फेसबुक भी कंफर्म कर रहा है कहीं ना कहीं से दोस्तों ये नाम चेंज होने वाला है अगले हफ्ते। तो देखते हैं दोस्तों क्या नाम पड़ता है, और उन्होंने कहा है कि ये पूरा सिस्टम चेंज कर देंगे। और दोस्तों ये ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था फेसबुक इन्वेस्ट कर रहा है मेटावर्स को तैयार करने में। दोस्तों मैंने आपको मेटावर्स के बारे में बताया था, ये इंटरनेट का आप कह सकते हो अगला वर्जन, तो अब दोस्तों उसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं और फेसबुक के अंदर चेंजेस कर रहे हैं, तो सच में फेसबुक कुछ बहुत बड़ा करने वाला है। तो देखते हैं दोस्तों इसके अंदर इसका नाम क्या हो जाता है। तो दोस्तों अगली न्यूज मैं आपको बता दूं रेडमी की तरफ से निकल के आ रही है, रेडमी नोट 11 और रेडमी नोट 11 प्रो, ये दोनों फोन चाइना के अंदर कंफर्म हो चुके हैं लॉन्च डेट। दोस्तों ये लॉन्च होंगे वहां पे 28th October को, दोस्तों काफी अच्छी बात है, बहुत ही जल्दी ये वहां पर लॉन्च हो जाएंगे, इसका मतलब है कि कुछ टाइम के अंदर अंदर ये इंडिया में भी आ जाएंगे, काफी अच्छी बात है। तो देखते हैं दोस्तों क्या कुछ निकल के आता है। वैसे मैंने आपको इनके प्रोसेसर के बारे में बताया था, अब दोस्तों देखना ये है कि ये वही निकल के आते हैं या नहीं। दोस्तों गूगल प्ले कंसोल्स के हिसाब से जो जियो फोन नेक्स्ट आने वाला है वो काफी अच्छा फोन रहने वाला है, जैसे मैंने आपको पहले बताया है या सभी लोग बताते हैं ये सबसे ज्यादा सस्ता 4G फोन होने वाला है टच स्क्रीन के अंदर। दोस्तों इसका प्राइस रहेगा 3,499 रुपीज का, और दोस्तों कंपनी के हिसाब से मतलब जो गूगल प्ले कंसोल के हिसाब से जो लिस्टिंग है
वो कह रहे हैं कि इसकी जो डिलीवरीज हैं या शिपमेंट्स हैं वो नवंबर में स्टार्ट होने वाली हैं। तो दोस्तों अच्छी बात है, देखते हैं क्या होता है। तो अच्छी बात है दोस्तों, देखते हैं कब शुरू होता है। और इसका मतलब ये है कि ये आने वाले एक आध हफ्ते में लॉन्च हो जाना चाहिए, हो जाए तो दोस्तों बहुत अच्छा है, वरना फिर से डिले डिले चल रहा है इनका। वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये आने वाला है स्नैपड्रैगन के ऊपर, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 215 प्रोसेसर के ऊपर। और दोस्तों इसके अंदर होगी 2GB की रैम। दोस्तों बैटरी का भी आइडिया नहीं है। वैसे इसके अंदर आपको एंड्रॉइड 11 का गो एडिशन मिल जाएगा, दोस्तों मैं कहूंगा काफी अच्छा है। बैटरी जो है वो 2500 से कम रहने वाली है, 2500 mAh से कम, तो क्योंकि दोस्तों बहुत छोटा सा आएगा, तो देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगली न्यूज निकल के आ रही है एप्पल की तरफ से, और एप्पल ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है दोस्तों। ये लेके आए हैं पॉलिशिंग क्लोथ दोस्तों, बिल्कुल छोटा सा है और अपने डिवाइस की स्क्रीन को पॉलिश करने के लिए, मतलब साफ करने के लिए, क्लीन करने के लिए। और दोस्तों ये इसका प्राइस रखा गया है 1900 रुपीज, दोस्तों बहुत ज्यादा है एक पॉलिशिंग छोटा सा क्लोथ। और दोस्तों मैं आपको बता दूं ये ईएमआई के ऊपर भी मिल रहा है, 224 रुपीज देने होंगे आपको पर मंथ इसकी ईएमआई के लिए। अजीब बात है दोस्तों, इतने में तो बहुत बड़ा कपड़ा आ जाएगा अगर आपको चाहिए तो। दोस्तों देखिए अगर किसी को चाहिए तो प्री ऑर्डर कर लीजिए, इसके बुकिंग वगैरह शुरू हो चुकी है और मिलनी भी शुरू हो जाएगी दोस्तों जल्दी। और दोस्तों मैं बता दूं पिक्सल फोन लॉन्च हुए हैं, गूगल ने पिक्सल पास सब्सक्रिप्शन को भी अनाउंस कर दिया है। इसके अंदर आपको 200 GB तक का डाटा मिल जाएगा गूगल वन के अंदर, तो काफी अच्छी स्टोरेज आपको मिल जाएगी, प्लस यूट्यूब प्रीमियम मिल जाएगा, जो भी प्रीमियम वगैरह यूजर जाना चाहते हैं तो इसके साथ आपको मिल जाएगा फ्री। वैसे फ्री तो नहीं है दोस्तों, काफी महंगा है ये, इसका प्राइस रखा गया है 3300 रुपीज, दोस्तों काफी अच्छा प्राइस है ये, पर मंथ आपको देना पड़ेगा। तो दोस्तों जो भी पिक्सल पास सब्सक्रिप्शन को लेना चाहते हैं, जिनके पास पिक्सल फोन है दोस्तों, याद रखिएगा सबको नहीं सिर्फ पिक्सल फोन वालों को, तो वो इसे ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों आज शाओमी के सीईओ उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि शाओमी जो है अपने 2024 के फर्स्ट हाफ के अंदर अंदर शाओमी अपनी कार लेके आने वाला है। दोस्तों काफी अच्छी बात है, काफी जल्दी आ रही है। और दोस्तों उन्होंने कहा है कि ये ईवीज के जो यूनिट्स हैं उनको हायर कर रहे हैं कहीं ना कहीं से, मतलब खरीदने के लिए कंपनीज को। वैसे दोस्तों उन्होंने ये कंफर्म नहीं किया है कि ये इंडिपेंडेंटली बनाएंगे या फिर किसी के साथ मिलके काम करेंगे, तो देखते हैं दोस्तों क्या भी निकल के आता है, मैं आपको जरूर बताऊंगा। वैसे 2024 में इनके फर्स्ट हाफ के अंदर अंदर शाओमी की कार्स आ जाएंगी दोस्तों, कितनी सस्ती होंगी सोच के बताइए जरा। दोस्तों अगली न्यूज निकल के आ रही है एप्पल की तरफ से, और कल उनका लॉन्च इवेंट था जिसमें मैंने आपको बताया था कि उन्होंने मैकबुक प्रो 14 और 16 इंचेस की, ये दोनों की दोनों लॉन्च की थी। दोस्तों इनके जो चार्जेस वगैरह आएंगे उनको आपको एडिशनली लेना पड़ेगा दोस्तों, इसके लिए एडिशनल पे करना पड़ेगा। जो 14 इंच का है उसके अंदर आपको, मतलब मिनिमम अगर चार्जर आपको चाहिए तो मिनिमम 1600 रुपीज आपको देने पड़ेंगे दोनों लैपटॉप के साथ में, या दोनों के दोनों मैकबुक प्रोज के साथ में। और अगर आपको फास्ट चार्जर चाहिए तो जितना फास्ट चाहिए उसके हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा। दोस्तों मैक्सिमम जो 16 इंचेस वाले के साथ में आता है वो आता है 140 वाट्स का, और दोस्तों ये 140 वाट्स का जो चार्जर है ये आपको पड़ेगा 9500 रुपीज में। दोस्तों ये आपको लगभग सीधा सीधा कह लीजिए कि बहुत ज्यादा अगर फास्ट चार्जिंग चाहिए तो आपको 10000 रुपीज तक मैक्सिमम खर्च सकते हो 16 इंचेस वाले में, और 14 इंचेस वाले में आप लगा लीजिए 6000 तक, तो एडिशनल आपको लेना पड़ेगा, चार्जर बीच में नहीं आएगा। और दोस्तों मैंने जैसा आपको बताया था कि आज आईक्यू का 5X दोस्तों चाइना में लॉन्च होना था, ये आज लॉन्च हो चुका है और वहां पर इसका प्राइस निकल गया है 18,800 रुपीज। दोस्तों काफी अच्छा फोन सामने निकल गया है, वैसे स्पेसिफिकेशन मैं आपको पहले बता भी दी थी, डिस्प्ले भी कर दी थी, तो काफी अच्छा फोन है दोस्तों। वैसे मैं आपको बता दूं ये फोन अगर इंडिया में आता है तो थोड़ा बहुत भी प्राइस ऊपर नीचे हो जाए तो 19,000 या 20,000 के बीच में आ जाएगा, तो बहुत जबरदस्त लगेगा, तो देखते हैं दोस्तों अगर आए तो। तो दोस्तों अगली न्यूज निकल के आ रही है वॉचेस दोस्तों लॉन्च हुई हैं, अमेज़फिट की GTR3, GTR3 प्रो और GTS3। दोस्तों इनके अंदर आपको 150 स्पोर्ट्स मोड मिल जाते हैं, और मैं आपको बता दूं इनका प्राइस स्टार्ट होता है 13,999 रुपीज से लेके 18,999 रुपीज तक जाते हैं। दोस्तों अच्छी है, अगर आप ट्राई करना चाहो तो आप इन्हें कर पाओगे। तो दोस्तों लिनोवो ने आज लॉन्च कर दिया अपना योगा टैब 11 इंडिया के अंदर। दोस्तों मैं आपको प्राइस बताऊं तो इसका प्राइस रखा गया है 40,000 रुपीज का, लेकिन कुछ डिस्काउंट वगैरह चल रहे हैं और उसके हिसाब से ये आपको टैब मिल जाएगा
29,999 रुपीज में, तो दोस्तों सीधा सीधा कहूं तो 30,000 में 10,000 का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अमेजोन के ऊपर ये लिस्ट हो चुका है दोस्तों। ये आता है 11 इंच की 2K स्क्रीन के साथ में, इसके अंदर आपको मीडियाटेक हीलियो G90T मिल जाता है। दोस्तों मैं कहूंगा प्रोसेसर काफी नीचे है प्राइस के हिसाब से। वैसे इसके अंदर आपको 4GB रैम 128GB की स्टोरेज मिल जाती है। एंड्रॉइड 11 के ऊपर रन करता है दोस्तों। 7500 mAh की बैटरी है। तो ओवरऑल बताऊं तो मुझे इसका प्राइस बिल्कुल पसंद नहीं आया, प्राइस बहुत ज्यादा है। लैपटॉप की जो परफॉर्मेंस है या हम कहें कैपेसिटी है वो बहुत कम है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों इसका प्राइस 20,000 के नीचे आना चाहिए था, पर बहुत ज्यादा दिया हुआ है। तो दोस्तों मैं कहूंगा अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो, पर प्राइस ज्यादा है। तो दोस्तों एक और लीक निकल के आया है सैमसंग की तरफ से, सैमसंग S22 जो सीरीज होने वाली है दोस्तों, कहा जा रहा है कि वाटर नॉइज डिस्प्ले के साथ में आएंगी। तो देखते हैं दोस्तों आते हैं नहीं आते हैं, बहुत सारे लीक्स आते हैं बार बार और फिर निकल जाते हैं, फिर कहते हैं कि नहीं जी ऐसा नहीं है वैसा है। तो देखते हैं दोस्तों वाटर नॉइज डिस्प्ले S22 के अंदर या S22 सीरीज के अंदर, मुझे नहीं लगता है, बाकी देखते हो दोस्तों। और दोस्तों इंस्टाग्राम लेके आ रहा है नया फीचर, टेस्टिंग स्टेज में है। वैसे आपको बता दूं ये आपको वेब के अंदर फोटोज या वीडियोस को अपलोड करने का ऑप्शन दे देगा। जब हम वेब के ऊपर खोलते हैं तो वहां पर आपको ऑप्शन नहीं मिलता है, तो अब आपको मिल जाएगा, तो काफी अच्छी बात है। अब ये टेस्टिंग मोड में है तो थोड़े टाइम बाद ये लॉन्च हो जाएगा। दोस्तों अगली न्यूज निकल के आ रही है ऑटो न्यूज में, और दोस्तों टाटा की पंच मैंने आपको बताया था बहुत अच्छी गाड़ी सामने निकल के आई है। दोस्तों इसको बहुत ज्यादा बुकिंग्स मिल रही है, काफी अच्छी बात है, गाड़ी भी बहुत अच्छी है। दोस्तों उन्होंने कहा है कंपनी ने कि जो बुकिंग करेगा उसको इमीडिएटली कार हम दे पाएंगे, मतलब यूनिट्स जो है काफी तैयार खड़े हैं। उन्होंने कहा है कि चिप शॉर्टेज का जो अफेक्ट है वो इस कार पे ना पड़े, इसलिए उन्होंने बाकी कार्स की प्रोडक्शन को स्लो कर दिया है इसको बढ़ाने के लिए। तो इसकी प्रोडक्शन थोड़ी तेजी से हो रही है, काफी अच्छी बात है। और उन्होंने कहा है कि जब तक नॉर्मल बुकिंग चलती रहेंगी तब तक तो जैसे जैसे बुकिंग आती रहेगी वैसे वैसे डिलीवरीज भी स्टार्ट कर देंगे, लेकिन जब बहुत ज्यादा उनकी बुकिंग्स बढ़ जाएंगी तो फिर शायद वो डिले हो जाना शुरू हो जाए। तो देखते हैं दोस्तों क्या निकल के आता है। वैसे होती रहे तो काफी अच्छी बात है, चिप शॉर्टेज का ज्यादा इफेक्ट ना पड़े तो और भी अच्छी बात है। और दोस्तों लैंड रोवर की एक नई गाड़ी, रेंज रोवर का एक नया वर्जन आने वाला है दोस्तों। इसके अंदर आपको काफी अच्छा डिजाइन मिल जाएगा, लुक थोड़ा चेंज होने वाला है। कंपनी ने ये पिक्चर टीज की है, देख सकते हो दोस्तों इसके अंदर कुछ साफ नहीं नजर आ रहा है, तो इसका मतलब है इसके डिजाइन में कुछ ना कुछ फर्क आएगा। और ग्लोबली ये लॉन्च होने वाली है या डेब्यू करने वाली है 26 अक्टूबर को। तो दोस्तों देखते हैं कैसी लगती है, मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो दोस्तों आज के टेक और ऑटो दोनों न्यूज होती है पे खत्म। और दोस्तों अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो लिखिए जाके कमेंट्स में #FTQNA स्पेस देके अपना क्वेश्चन लिख लीजिए। टेक रिलेटेड हो, ऑटोमोबाइल से रिलेटेड हो, आप लिख सकते हो, मैं आपके क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश बिल्कुल करूंगा संडे वाले एपिसोड में। तो मैं मिलता हूं दोस्तों आपको कल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ एंड स्टे एट होम।